सबको जय मसीह की। सो दोस्तों, आज के वीडियो का नाम है प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करना सीखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते थे और हम कुछ बाइबल वचनों को भी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 9 से लेकर वचन 13 तक। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। दोस्तों, जब भी आपको अपनी प्रार्थना को शुरुआत करना है तो सबसे पहले प्रार्थना में आपको कहना होगा, हे पिता, तू जो स्वर्ग में है। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय वचन 17। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। अगर आपको परमेश्वर से वरदान और उत्तम आशीषें चाहिए तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनसे मांगना होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पहला तिमोथियस 2 अध्याय वचन 5 में ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अगर आपको परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना है तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है जिनके द्वारा आप आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रार्थना करना है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 से लेकर वचन 15 में। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। दोस्तों, आपको प्रार्थना करना है कि जैसे परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में स्थिर है वैसे पृथ्वी पर भी हो, और जिन लोगों तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचे और वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। दोस्तों, इसके बाद आपको प्रार्थना करना है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 19। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। इसके बाद आपको प्रार्थना में कहना है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 6 वचन 23। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। दोस्तों, आपको परमेश्वर से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी होगी ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को दें और आपको क्षमा करें। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 14 से लेकर वचन 15 तक। उसमें ऐसे लिखा हुआ है,
इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए दोस्तों, आपको अपनी प्रार्थना में दूसरों को क्षमा करना होगा ताकि परमेश्वर आपके अपराधों को भी क्षमा करे। इसके बाद आपको प्रार्थना में कहना है, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे इफिसियों 4 अध्याय वचन 13। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, तब तक आपको दोस्तों प्रार्थना करना है कि परमेश्वर से, कि हर एक परीक्षाओं से और बुराई से परमेश्वर आपको बचा के रखे। इसके बाद आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि परमेश्वर का वचन सब तक पहुँच सके। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।